हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, आप जान सकते हैं कि जैसे 61 नेशनल गेम ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वापस गोवा। तो इस बार तो गोवा में मेडल नहीं आया, तो थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा है। गोवा में एक भी मेडल नहीं आया इस बार। तो चलिए आप लोग को थोड़ा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन आप लोग को दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और रास्ते में भी बहुत से अच्छे अच्छे आपको प्लेस देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखते रहें एंड तक, आपको बहुत ही अच्छी जगह मिलेगा देखने के लिए। हेलो गाइस, ये है चेन्नई का ब्रिज। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खूबसूरत है, बहुत ही मस्त है। तो हम लोग गाइस, 61 नेशनल गेम ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं गाँव गोवा, और आगे भी आप लोग देखते रहे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेस दिखाने वाले हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा, तो आप लोग वीडियो में बने रहे एंड तक देखें। ये है बलेश्वर, बलेश्वर ये जगह का नाम है बलेश्वर। यह अभी हमको कैसे मालूम पड़ा, वो चेन्नई में हमारे कुछ दोस्त गांव के कुछ लड़के लोग रहते हैं, तो इधर ही हमको बुलाए थे। उन लोग खुद इधर चेन्नई में काम करते हैं और रास्ता भूल गए यार, हमको उन लोग को फिर वापस आके ढूंढ के लेके जाना पड़ा, क्योंकि उन लोग को रास्ता ही मालूम नहीं था। अभी बलेश्वर से आगे चले आए हम लोग। ये देखिए अभी हम लोग स्टेशन जाने वाले हैं। स्टेशन में जाके अभी रात को 11:30 बजे गाड़ी है, ट्रेन, उसके बाद फिर बेंगलोर में उतरेंगे। बेंगलोर से फिर ट्रेन है गोवा। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो हम लोग ने कार रिजर्व किया है, कार से जा रहे हैं, और देखिए गाड़ी का नंबर दिख रहा है तमिलनाडु। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन थोड़ा सिटी में ही अच्छा है, ऐसे लोकल एरिया में थोड़ा अच्छा नहीं है, बहुत रास्ता खड़खड़ है, सिटी में थोड़ा अच्छा है। तो देखिए, और चेन्नई का रेलवे स्टेशन तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, एकदम कचाइन रहता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा। कहाँ से जो इतने लोग आते हैं मालूम नहीं, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। आपको चलिए आगे वीडियो में देखते रहे, आप लोग को देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए बिल्डिंग कितना बड़ा है, कितना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। ऐसे कैमरा से देखने से बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सामने जाके देखेगा तो थोड़ा पुराना जैसा लगता है। कलर उलर सब कैमरा से अच्छा लगता है देखने में। ये सिग्नल है, अभी सिग्नल पे हम लोग पास तो ग्रीन दिख रहा है, हम लोग जा रहे हैं अभी आगे। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देखिए ये कोई स्कूल उस्कूल होगा, इसके लिए ऐसा पेंटिंग बनाया है। तमिलनाडु में भाई बहुत थोड़ा इधर खाने के लिए हम लोग ऐसे चावल भात दाल नहीं मिलता है, ज़्यादातर मिलता है इधर इडली डोसा पूड़ी। और हम लोग को तो वो कोई भी कार वाला को ये तो ऑटो वालों को बोलने के लिए एक बात बोलने के लिए 10 बार समझाना पड़ता है, इशारा से, हिंदी से, इंग्लिश से, क्यों समझ ही नहीं पाते उन लोग हमारे भाषा तमिलनाडु में हिंदी। अच्छा, हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन तमिलनाडु में कुछ भी नहीं, एकदम जीरो है, समझ ही नहीं आता है। एक बात को समझाने के लिए उसको जाना है पाले गांव, तो उसको 10 बार बोलना पड़ता है कि हिंदी में बोल नहीं समझ पाते, इंग्लिश में बोले बाद में बोलते हैं लोकेशन लगा के, तो नहीं तो फिर इशारा से समझाना पड़ता है पैसा कितना लेने का क्या लेने का। बहुत ही दम ये है, बहुत ही परेशानी होता है। ये कौन सा जगह आया, ये कौन सा सेंट्रल रेलवे स्टेशन, सेंट्रल अभी 6 किलोमीटर आगे है, तो आप लोग वीडियो देखते रहे, आपको मिलेगा देखने के लिए। ये गाड़ी हमारे आगे जो है पुंडीचेरी का है लगता है, PY नंबर पुंडीचेरी।
देखिए बिल्डिंग कितना ये है, कितना बड़ा है। ओहो, बहुत ही गोवा का जैसा ये नहीं है। इधर गाड़ी बहुत किधर से भी घुस जाते हैं, बिना हेलमेट से भी आ जाते हैं। गोवा में तो बिना हेलमेट में चला ही नहीं सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। आगे आप देखते रहिए, आपको आप और भी अच्छे अच्छे जगह देखने को मिलेगा चेन्नई में। ये देखिए इधर मस्जिद है, ये मस्जिद है। अभी हम लोग चेन्नई पहुंचने ही वाले हैं, ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये बोर्ड में दिखेगा क्या दिख रहा है, देखते हैं बोर्ड में। सेंट्रल अभी और 5 किलोमीटर है। ये क्या कुछ मजार होगा लगता है, ये मजार है। हाँ, बहुत बिजी रोड है वो तो। हम लोग कार में जा रहे हैं इसलिए थोड़ा मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही बिजी रोड है। देखो गाड़ी किधर से किधर घुस जा रही है। तो गाइस हम लोग का अभी 61 नेशनल गम ख़त्म हो चुका है। हम लोग अभी जा रहे हैं, और क्या करने का, इस बार तो मेडल वेडल कुछ भी नहीं आया हाथ में, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस कम था हमारे बच्चों का, इसलिए इस बार कुछ नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार अच्छे से तैयार करके आएंगे। अभी नेक्स्ट बार दिल्ली में है शायद, दिल्ली चंडीगढ़ में होगा शायद RSF नेशनल गेम, तो उस बार देखेंगे। इस बार तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखिए बिल्डिंग कैसा दिख रहा है, पूरा एकदम राजा महाराजा का जैसा। ये भी देखिए एकदम राजा महाराजा का जैसा बिल्डिंग दिख रहा है। और कभी आएगा स्टेशन, कितना खूबसूरत नज़ारा है। सिटी में घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग को टाइम ही नहीं मिला घूमने को। ऐसे एक दिन मिला था टाइम घूमने को, लेकिन घूम नहीं पाए, क्योंकि उतना हम लोग को मालूम नहीं है ना। वो तमिलनाडु में उन लोग को समझाने का बहुत समझाना पड़ता है, तब जाके घूमने को मिलेगा आपको। देखिए ये भी कुछ राजा महाराजा का घर जैसा दिख रहा है। तमिलनाडु में बहुत ही समझाना पड़ता है, हिंदी में बोले, इंग्लिश भी किसी किसी को ऑटो वालों को नहीं आता है, तो क्या बोलने का, कैसे जाएंगे। होटल में खाना खाते हैं तो 10 बार समझाना पड़ता है, ये वो ये इशारा से बात करना पड़ता है, और क्या बोलूँ। कम से कम राष्ट्रीय भाषा हिंदी वो तो मालूम होना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो, ना ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। देखिए MRF का बिल्डिंग कितना भयानक बड़ा है। क्या लिखा है, ट्रिपल टायर। ओहो ये भी देखिए, अभी ये कितना मलीना बीच ने क्या बीच लिखा था उधर। ये बिल्डिंग देखिए कितना अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, अभी थोड़ी देर में चेन्नई स्टेशन आने वाला है सेंट्रल, देखते रहे। देखिए ये वो दिख रहा है सर, चेन्नई सेंट्रल।
रेलवे स्टेशन दिख गया आगे, ये साइड में है ना एक बहुत ही पुराना बंगला है देखने में, वो भी बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। ये आप देखते रहे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देखने में ही बहुत खूबसूरत जैसा लगता है। अंदर में घूमेगा तो इतना बिजी है, इतना लोग रहते हैं ना, क्या पूछने का ही नहीं। अभी इधर थोड़ा सिग्नल लगा, देखिए वो बंगला जो दिख रहा है ना वो उधर वो साइड में, वो बंगला बहुत ही गजब का है, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं है घूमने को। एक दिन फ्री फ्री होके घूमने के लिए आना पड़ेगा। एक दिन फ्री आना पड़ेगा घूमने के लिए। सिर्फ ऐसे हम लोग हर कभी कभी नेशनल गेम रहता तो इधर उधर घूमने को मिलता है। कौन सा बंगला है? गेम के लिए आते हैं तो गेम के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहता है, इसलिए ज्यादा घूम नहीं पाते। देखिए बंगला कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सारे फिल्म में शूटिंग भी हुआ होगा लगता है। देखिए ये है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये अभी हम लोग उतरने वाले हैं, पहुंच चुके हैं, यहीं पर ही उतरेंगे हम लोग। पहुंच गए, देखिए चेन्नई रेलवे स्टेशन, बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है। अभी देख इतने लोग आते हैं ना, एकदम बहुत ही लोग रहते ही रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो वॉच।